मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीमा नाला के अंदर घने जंगल में नैनपुर से लगे ग्राम पंचायत अतरिया के कुछ लोग जंगल लकड़ी काटने गए थे। जब सब लोग लकड़ी काटने में व्यस्त थे तो अन्य लोगों ने कुछ दूर लकड़ी काट रहे धीरज पिता खुमान विश्वकर्मा को देखा, जहां दो भालुओं ने अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया। दोनों भालुओं के हमले से धीरज गंभीर रूप से घायल हो गया। जोर से चिल्लाने पर उनके साथ ही तत्काल पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि दो भालू धीरज कुमार को गंभीर रूप से नौच खसूट रहे हैं। मौके पर धीरज की पत्नी, बेटा, भांजा और कुछ लोग साथ में थे, जिन्होंने कुल्हाड़ी से भालू को डराया और जोर जोर से चिल्लाने के बाद उन भालुओं को भगाने में कामयाब हुए। लेकिन तब तक धीरज गंभीर रूप से घायल हो चुका था, जिसे तत्काल सिविल अस्पताल नैनपुर लाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के देखने पर पाया गया कि शरीर में कई गंभीर जख्म हैं। अस्पताल से तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई, जहां पर मौके पर पहुंचकर वन विभाग कर्मियों ने पीड़ित को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई। बहरहाल डॉक्टर की निगरानी में नैनपुर सिविल अस्पताल में धीरज का इलाज किया जा रहा है। लकड़ी लेने गए थे जलाने के लिए, चित्राही पाठ के पास गए थे लकड़ी लेने, मम्मी पापा में मेरा भाई था, वहाँ पर भालू दिखा था। पापा बाथरूम करने गए थे, हम बैठे थे तो भालू बैठा था तो वो अचानक हमला कर दिया, वो आवाज़ लगाए तो फिर हम दौड़े, गाल में था, हाथ में, छाती में। सर अभी आधा घंटा पहले जानकारी मिला कि अतरिया का धीरज पिता खुमान सिंह विश्वकर्मा है, उनको शासकीय जंगल में जलाव लेने गए हुए थे, वहाँ पे अचानक जंगली भालू द्वारा हमला कर दिया गया है। जैसे ही हमको खबर लगी कि अस्पताल पहुंच चुके हैं तो मैं स्वयं आकर के उनके, वो तो अभी बयान देने के काबिल में नहीं है, पर उनके परिजनों से पूछा और विभाग के द्वारा जो तात्कालिक सहायता राशि होती है 1,000 रुपया नकद दे दिया गया है। अभी उपचार जारी है उनका, अभी तो हालत ठीक है। कहाँ पे हमला किया? ये जगह अभी इस बार देखने जा रहे हैं, ये मतलब धनोरा के पास में है, अतरिया बीट का क्षेत्र लगता है। राज कौशिक की रिपोर्ट।